देखिए बेटा, इसमें क्या लिखा है, 6 AbRn HP। तो HP में क्या होता है, HP में होता है यदि 6 Ab HP में है तो इसका मतलब क्या होगा, 1/6, 1/A, 1/B किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। और हमने वैसे भी हमने रिजल्ट पढ़ा था कि जो B इक्वल टू होता है 2ac/a+b, तो ये 2ac/a+c दैट इज 12b/b+6 आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं हम बेटा, इसमें b+6 -6 करके हम डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा 12 × 1 - 6/b+6। इट मीन्स b+6 मस्ट डिवाइड 6। ए और बी तो पॉजिटिव लिखे हैं ना, ये ध्यान रखना है। तो b+6 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, b+6 की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 6। निगेटिव होगी, यदि b की वैल्यू निगेटिव है तो b+6 भी पॉजिटिव होगा ना, तो इसको हम निगेटिव, इसके निगेटिव डिवाइजर नहीं होंगे, ठीक है। b+6 ये होगा तो b क्या हो सकता है, मिनट इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 12 - 72/b+6 आएगा। तो b+6 किसको डिवाइड करेगा, b+6 मस्ट डिवाइड 72, दैट इज b+6 क्या हो सकता है, 72 का डिवाइजर क्या क्या हो सकते हैं, b+6 मतलब 6 से ज़्यादा होगी वैल्यू, तो ध्यान रखना 6 से ज़्यादा डिवाइजर चाहिए हमको, तो 6 से ज़्यादा डिवाइजर क्या हो सकते हैं, 8 हो सकता है। ध्यान रखो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना, तो यदि b पॉजिटिव है तो b+6 क्या होगा, 6 से ज़्यादा होगा, तो 6 से ज़्यादा क्या क्या हो सकते हैं इसके डिवाइडर, ये सकते हैं 8, 9, 12, 24 36 72। ठीक है, तो यहाँ से b आ जाएगा करस्पॉन्डिंग 2, 3, 6, 18, 30 एंड 66। तो यदि आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे पुट करके a की वैल्यू भी करस्पॉन्डिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितनी b की पॉसिबल वैल्यू, b की 6 पॉसिबल वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आंसर आपको a का आंसर निकालना है, a का, तो वो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं।